आज से अगर ये चार दिन पहले या पांच दिन पहले भी अपनी निगोशिएशंस कर रहे होते, ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे करते जो से बेहतर था, क्योंकि एक हवा था पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, लाखों आ जाएंगे, वो हो जाएगा, वो गुब्बारा तो गया फट। मालिक साहब इसी पॉइंट से शुरू करूंगी सर। ये आपको बता दें कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो नए प्रोसिक्यूशन टीम एहतसाब अदालत में पहुंच चुकी है, और जो जज है मोहम्मद बशीर साहब वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। ये थोड़ी सी अपडेट है जो हम आपको दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आज रात ही अदालत में पेश किए जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी एहतसाब कोर्ट पहुंच चुकी है, और जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने इस रेफरेंस का फैसला दिया था वो भी अदालत पहुंच चुके हैं। इस हवाले से फयाज महमूद हमारे रिपोर्टर थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद है, मालिक साहब फिर आपकी तरफ आती हूँ। फयाज और क्या अपडेट है इस हवाले से? देखें जी, यहाँ पर नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी पहुंच चुकी है, जबकि सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट खुद मौजूद हैं, इस वक्त वो आता अदालत में मौजूद हैं। उसके अलावा जज मोहम्मद बशीर और उनका जो अमला है वो भी पहुंच चुके हैं, इस वक्त वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर ही रोक दिया गया है। हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पुलिस की जानिब से इन्फॉर्म किया गया कि मीडिया को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है, क्योंकि पूरी सूरत हाल का मजिस्ट्रेट और इंतजामिया यहाँ पर खुद बैठकर जायजा ले रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं पूरी सूरत हाल को, जबकि आम ट्रैफिक के लिए रोड को खोला गया है और अंदर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म की बदमजगी से बचा जा सके। उसके अलावा नैब प्रोसिक्यूशन टीम अंदर मौजूद है। जराए ने यह कंफर्म किया है कि जो रोप कार है, जेल रोप कार आज ही जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से भी अभी मजिस्ट्रेट और दीगर जो इंतजामी अहदेदारान हैं वो फैसला कर रहे हैं कि इन दोनों जो मुजरमान हैं कहाँ पर मुंतकिल किया जाना है, आया कि किसी गेस्ट हाउस को सब जेल का दर्जा करार देकर वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा या अडयाला जेल। इस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि आया के किसी गेस्ट हाउस को सब जेल का दर्जा दिया जाएगा या फिर अडयाला जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से अब से कुछ ही देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा जेल रोककार आज ही अभी ही कुछ देर में जारी कर दी जाएगी। नैब प्रोसिक्यूशन टीम कमरा अदालत में मौजूद है, मीडिया बाहर है, उसके बाद अंदर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भी मौजूद है। जैसे ही रोककार जारी हुई तो उसके बाद जो मुजरमान है उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात है। नैब प्रोसिक्यूशन टीम का यही कहना है कि कल तक का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, वैसे कानूनी तौर पर कुछ 24 घंटों के लिए नैब दोनों मुजरमान को अपने पास रख सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी को के खदशात को पेश नजर रखते हुए इस वक्त जो अदालत में मौजूद है प्रोसिक्यूशन टीम मौजूद है, तमाम के तमाम जो कानूनी जो तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद मुजरमान को बाजाबता तौर पर जेल भेज दिया जाएगा और उनकी जो सजा है 10 साल नवाज शरीफ की और 1 साल और 7 साल मरियम नवाज की वो शुरू हो जाएगी। आज रात से ही उसको काउंटडाउन का वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद उन मुजरमान की जेल रोककार भी जारी कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज ने बड़ा डिटेल में हमें